In Chandigarh, Pradeep Kumar, Secretary of the Haryana State Pollution Control Board, announced a notable reduction in stubble burning cases in the state. He stated in 2021, there were 7,000 cases of stubble burning, which has decreased to 2,300 in 2023. Kumar emphasized that farmers are being encouraged to adopt better practices and that nodal officers are actively monitoring the situation to further reduce these cases. हरियाणा हरियाणा राज्य के अंदर 2021 में लगभग 7,000 एक्टिव फायर लोकेशन के केसेस थे, जो इस साल घटकर 2023 में 2,300 रह गए हैं। और इस साल पूरी तरह नोडल ऑफिसर्स की और सरकार की निगरानी है और फार्मर्स को पूरी तरह प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकि नंबर ऑफ केसेस कम से कम रहे। तो कुछ अर्ली हार्वेस्टिंग होती है, कई जिलों के अंदर लेट हार्वेस्टिंग होती है। तो जो जिले हैं इधर अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, यहाँ यमुनानगर अर्ली हार्वेस्टिंग होती है, तो यहाँ लगभग 80% हार्वेस्टिंग हो चुकी है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में लेट हार्वेस्टिंग होगी, जैसे सिरसा, फतेहाबाद और हिसार का पार्ट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत सारी प्रोत्साहन करने की पॉलिसी है और उसमें किसानों को हर एकड़ का जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसी से कोशिश है कि भी किसान पराली ना जलाएं और उसको जो भी अलग अलग प्लांट से वहां भेजे। वहां पर किसानों को फाइन लगाया जाता है, वो एक एकड़ में 2500 रुपए है, तो वो रिकवर किया जाता है। वो तो अधिकारी दे देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। हाँ, हरियाणा में लगभग 1,00,000 मशीनें दी जा चुकी हैं किसानों को, और जो भी अपनी